चतुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा हाथी था। उसका मालिक गोविंद बचपन से उसका ख्याल रखता आया था। चतुर अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए अब उसके द्वारा ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसीलिए गोविंद ने सोचा कि क्यों ना अब कारोबार बदला जाए। गोविंद एक परचून की दुकान खोल लेता है, मगर हाथी को हर समय उसके साथ रहने की आदत थी, इसीलिए चतुर हमेशा दुकान के पास ही रहता। छोटे छोटे बच्चे चिप्स, टॉफी, बिस्कुट खरीदने के लिए दुकान पर आते और हाथी को देखकर बहुत खुश होते। हाथी भी अपनी सूंड से चिप्स और टॉफियां निकाल कर उन्हें देता। गोविंद का काम बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे गोविंद बहुत मशहूर हो जाता है। एक दिन वहाँ के एक मशहूर गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और चतुर को परेशान करने लगते हैं। हाथी, अरे वाह वाह, देखो जरा, इतना बड़ा हाथी है, देखो यहाँ दुकान पर बैठा हुआ है। अरे इसके दांत तो देखो, अगर काट के बेच दिए ना, लाखों मिलेंगे लाखों। थोड़ी देर में गोविंद उन सभी से कहता है, अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे चतुर को परेशान मत करो। कुछ खाना पीना है, कुछ लेना है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। गोविंद के ऐसा कहते ही एक गुंडा उसके एक डब्बे में से बहुत सारी चॉकलेट्स निकाल लेता है और कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माल रखा है तुमने दुकान पर। भाई अगले हफ्ते हफ्ता तैयार रखना, ये हमारा एरिया है, यहाँ हर हफ्ते तुम्हें 1,000 रुपया देना पड़ेगा। 1,000 रुपये किस बात के? ये मेरी खुद की दुकान है, मैंने अपनी जमा पूंजी से खरीदी है। मैं तुम्हें 1,000 रुपये हफ्ते के क्यों दूं? और ये चॉकलेट क्यों खा रहे हो? इसके देखो 4 चॉकलेट हैं, इसके 25 रुपये हुए, लाओ दो मुझे। गोविंद के पैसे मांगते ही वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। गुंडे 3 थे और बेचारा गोविंद अकेला। तीनों ने गोविंद को मारना शुरू कर दिया। यह सब देखकर चतुर से रहा नहीं गया। चतुर ने अपनी चतुराई दिखाई, एक एक को अपनी सूंड में पकड़ा और दूर जाकर पटक दिया। तीनों गुंडे वहां से भाग गए। उनको भागता हुआ देखकर गोविंद उनसे चिल्लाकर कहता है, अरे बहुत बढ़िया, भाग जाओ यहां से, और हाँ दोबारा इस गली में नजर मत आना, नहीं तो मेरा चतुर तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं। तो इस तरह चतुर अपनी बुद्धिमानी से अपने मालिक की जान बचा लेता है और फिर से वो दोनों अपनी दुकान में मस्त होकर काम करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। मूर्ख राजा और शेर। एक बहुत बड़े राज्य में एक बहुत बड़ा राजा अपनी रानी और प्रजा के साथ रहा करता था। राजा यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हर समय अपनी तारीफ करने की और शेखियां मारने की बहुत बुरी आदत थी। राजा यूं तो काफी शक्तिशाली था, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसे हर बात को बढ़ चढ़ कर बताना बहुत पसंद था। इस बात से राजा की अपनी पत्नी महारानी भी परेशान हो चुकी थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, ओहो ये सूरज भी ना, सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जाती है, चलो आंगन में घूमते हैं, नहीं तो इस सूरज का कुछ करना पड़ेगा। रानी जोर जोर से हंसने लगती है, आप भी ना, सूरज का क्या करोगे, चलो ये अच्छा है कि आंगन में घूम लेते हैं। राजा और रानी आंगन में सैर करने लगते हैं। इतनी देर में रानी कुछ पक्षियों को दाना देने लगती है। दाना देने के दौरान एक पक्षी उन्हें घायल कर देता है और उनके हाथ पर चोट लग जाती है। अरे मैं तो दाना खिला रही थी और इस पक्षी ने मुझे ही घायल कर दिया। राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आया। इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। राजा बहुत दूर तक उस पक्षी का पीछा करता है, लेकिन पक्षी उनके हाथ ही नहीं आता। रानी हंसने लगती है, बस करो बस करो, बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, एक पक्षी भी नहीं पकड़ पाए मेरे लिए। राजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। महारानी तुम मेरा अपमान कर रही हो। माफ कीजिए महाराज, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मैं सच में चाहती हूँ कि मैं देखूँ तो सही कि आप कितने बलवान हैं। हो सके
तो एक ऐसा पक्षी जिसने मुझे घायल किया है उसे आप दंड दें, ये कोई बड़ी बात नहीं। राजा नाराज हो जाता है और जंगल की तरफ शिकार करने लग जाता है और जाते जाते अपनी रानी से कहता है, तुम एक पक्षी की बात करती हो, मैं आज तुम्हारे सामने एक शेर लेकर आऊंगा, शेर की खाल दूंगा तुम्हें। राजा अपनी सेना के साथ जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर शेर का शिकार करने की ठान लेता है, मगर बहुत दूर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें शेर नहीं मिलता। तभी सेनापति राजा से कहता है, महाराज आप महल में वापस चलिए, लगता है शेर जंगल में मौजूद ही नहीं है। चुप रहो मंत्री, हम इस तरह हार मारने वाले नहीं। आज हमने रानी से वादा किया है कि आज हम शेर की खाल लेकर ही घर पहुंचेंगे। अभी राजा ऐसी बातें कर ही रहा था कि शेर आक्रमण कर देता है। राजा की जान बाल बाल बचती है। सेनापति बहुत हिम्मत वाला था, उसने तुरंत शेर को मार डाला और राजा से कहा, महाराज आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मगर यहाँ आसपास और कोई नहीं है और मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। आप महल में यही कहिएगा कि ये शिकार आपने किया है। महामंत्री ने अपनी ईमानदारी दिखाई और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कुछ हद से ज्यादा ही अपनी तारीफ करता है। राजा महारानी के लिए शेर की खाल ले जाता है, सभी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर उस दिन के बाद से राजा ने अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ने बंद कर दिए। राधे श्याम एक छोटा सा वैद्य था जो जंगल से जड़ी बूटियां लाता और गांव के लोगों का इलाज किया करता था, मगर बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब वो जंगल में एक बूटी की तलाश कर रहा था, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है, लेकिन उसे चोट बिल्कुल नहीं लगती। जैसे ही वो अपने कपड़े झाड़कर खड़ा होता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उनके चेहरे एक जानवर की तरह थे। अरे मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ, ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस जंगल में आते हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं, मगर ये रास्ता, ये मैं कहाँ पहुँचा हूँ। इतनी देर में वहाँ पर एक शेर का चेहरा लगाया हुआ इंसान पहुँचता है और उससे कहता है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए, ये हमारी अलग दुनिया है, ये एक श्रापित दुनिया है, एक बहुत बड़े संत ने हमें श्राप दिया और हम यहाँ पहुँचे, बरसों से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई रास्ता नहीं मिलता, मगर आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राधे श्याम उन्हें बताता है, मैं तो एक छोटा मामूली वैद्य हूँ, गांव में लोगों का इलाज करता हूँ, इस जंगल में अक्सर आता हूँ और जड़ी बूटियाँ लेकर जाता हूँ इलाज के लिए। आज बस वो थोड़ा दलदल में पैर के फिसला मैं आकर यहाँ गिर पड़ा हूँ, आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई, मगर तुम सबकी ये दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। शेर उससे कहता है, मदद तो कर सकते हो, हमारा भोजन बनकर। अरे नहीं नहीं, भोजन बनने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम सब बच जाओगे, अगर भोजन बना तो तुम में से किसी एक का पेट भी नहीं भरेगा। राधे श्याम ने बड़ी समझदारी से अपना तर्क शेर के सामने रख दिया। शेर उससे कहता है, हाँ, बहुत समझदार हो, मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, देखो बरसों से हमने धूप नहीं देखी, अगर हमारे यहाँ तक धूप किसी हाल में पहुँच जाए तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हमारा श्राप दूर हो जाएगा, ये जंगल हमारा है, हम यहाँ फिर से रह पाएंगे, बोलो क्या हमारी मदद करोगे। राधे श्याम हाँ करता है और इधर उधर जाकर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक जड़ी बूटी अपने हाथ में चिपकी हुई दिखाई देती है, वो कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी, उस जड़ी बूटी से आसमान नजर आता था। जैसे ही वो जड़ी बूटी खाता है उसे एक कोने से आसमान की किरणें नजर आने लगती हैं। वहीं से वो रास्ता बना देता है और सभी को बाहर निकाल लेता है। सभी जानवर अब अपने असली रूप में आ जाते हैं और राधे श्याम का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह राधे श्याम,
तुम तो हमारे लिए एक देवता बनकर आए और सालों से हमारे श्राप को दूर करके हमें नई जिंदगी दे दी। हम तुम्हारे आभारी हैं। और इस तरह फिर से अपनी जड़ी बूटियां लेकर राधे श्याम अपने घर आ जाता है।